रोल रोल है बोलना तो पड़ेगा। निशा जी बताइए क्या कहना चाहेंगे, सफलता पूर्वक आयोजित किया आपने इस कार्यक्रम का, और सोनू जी जैसे पार्टनर है जो काफी सपोर्टिव है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब एज एन ऑर्गेनाइजर इट्स नॉट एन इजी टास्क टू कंप्लीट द थिंग्स ऑल टुगेदर फैशन शो एंड सो वी टेक इट एज इट्स अ पोस्ट एक्सपीरियंस एंड इट्स अ नाइस मेमोरी। क्या चैलेंजेस था इतने कंटेस्टेंट को एक साथ जमा करना है इस इवेंट के लिए, मतलब चैलेंजेस तो होगा, आसान नहीं होगा? इट्स अ बिग चैलेंजिंग वी टुक, मतलब नॉट ओनली वी टुक ऑल ग्लैमर कंटेस्टेंट्स, वी टुक ऑल टाइप ऑफ कंटेस्टेंट, इधर हाइट लेस हाइट, मतलब जो हाइट कम है ज्यादा है, जो टैलेंटेड टैलेंटेड लेस, मतलब we didn't go on fashion basis, we just went on like just to give platform to all the people, matlab going forward also we do the same thing, matlab kitne logon ko hum support kar sakte, kitne logon ko platform de sakte, we'll do our best. Aur future ka kya vision hai, kya karna cha rahi hain iske alawa? Future vision, being frank, we didn't keep any future vision. Okay. Going with flow and giving platform to the number make them happy, matlab jo they deserve, matlab what they deserve, mm-hmm. we are providing that. और भी सफलता आगे मॉडलिंग को अपना करियर बनाऊंगा, करियर बनाकर आगे मेहनत करूंगा। नाम बताइए, कैसा फील कर रही है इवेंट में पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है एंड सच में नहीं पता था कैसे ये रनर अप अचीव होगा, आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस, थैंक यू। और सोनू जी और निशा जी क्या कहना चाहोगे जो इस इवेंट? सर बहुत अच्छे हैं, पहले तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था, दिस इज माय फर्स्ट शो, तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि एंड ही वाज हाय दिस ललित सत्यार्थी, बेसिकली फ्रॉम आगरा से हूँ मैं और अभी यहाँ रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से मुंबई में। तो ये मेरा सेकंड है मॉडलिंग रैम शो, हमारा 2015 का मैं विनर हूँ आई बी मॉडल रैम शो का, और यहाँ पर इस बार मैं हूँ फर्स्ट रनर इस शो का। तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोगों ने मेहनत की है, हमारे जो कोरियोग्राफर हैं राजू सर, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है हम सबके साथ में, और सोनू और निशा, ये सारे लोगों ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, उनके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सॉरी सर, बड़ा बोलो, आपने बताइए कैसे फील कर रहे हैं? हाय दिस इज प्रशांत, क्या घूमा रहे हैं? बताइए क्या? बहुत 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 अच्छा लग रहा है, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं अचानक मॉडलिंग फील्ड में आऊँगा और मैं इतना अच्छा अचीवमेंट कर लूँगा, जैसे कि मुझे बेस्ट लुक अवार्ड मिला है और सेकेंड रनर अप भी मुझे मिला है, और बेसिकली मैं मुंबई से ही हूँ स्टार्टिंग से, और वैसे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, लेकिन अचानक इस फील्ड में आना हुआ, और मेरा सोनू जो है वो मेरा काफ़ी पहले से अच्छा यार है, तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मॉडलिंग शो है तो तू भी पार्टिसिपेट हो जा, पार्टिसिपेट हो गया, थैंक्स सर, प्लीज भी विन कर सोनू, तुम्हें आ जाओ अभी, और मैं तुम सर को करें सर, कैसे क्या कहना चाहेंगे? बहुत चैलेंजिंग होगा, इतने सारे कंटेस्टेंट्स सब टैलेंटेड थे, खूबसूरत थे, तो किस तरह से आपने जज किया और क्या क्राइटेरिया था जज करने का, और जो आपने सिलेक्शन किया विनर्स का? देखिए मुझे सबसे पहले मेरा अपना ब्यूटी पैजेंट याद आ गया, सबसे पहले मुझे अपना पैजेंट याद आया जो कि मिस्टर हिंदुस्तान एक कॉन्टेस्ट था 2007 में, तो मेरे मॉम डैड कहते कि क्यों आप ऐसे पैजेंट्स क्यों जा रहे हो, तो उससे तब मुझे पता नहीं था, पर जब मैंने रैंप पे वॉक किया तो मुझे यकीन हुआ कि आपका जो वो कॉन्फिडेंस और जो पहली फील होती है ना रैंप पे चलने की, वो आपको पेजेंट से ही मिलती है, आपको डायरेक्टली सब्यसाची मुखर्जी अपने रैंप शो पे नहीं चलाएगा, देर हैज़ टू बी सम प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पहले सीखोगे। तो आई थिंक ये जो पेजेंट है मिस्टर और मिस मुंबई 2019, उसके अंदर आई थिंक इन सबको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और मेरे लिए बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि जो कंटेस्टेंट्स थे ना वो उनके अंदर जो वो होती है नर्वसनेस, और उनके अंदर एक बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं वो रैंप पे, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी एक को रिजेक्शन की वजह से कोई भी किसी तरह का दुख पहुंचे, तो वो बहुत मुश्किल होता है। बीइंग एन एक्टर एंड अ टीवी प्रोड्यूसर माय सेल्फ, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था। सोनू जी और निशा जी के बारे में, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है इतने सारे लोगों को, एक
टैलेंट शोकेस करने का? आई थिंक इवेंट बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ, बहुत अच्छे तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया, इनकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, जो लोग इनके राउंड्स थे, इंट्रोडक्शन था, ट्रेडिशनल वेस्टर्न क्वेश्चन आंसर राउंड, जो कि हर पैजेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता, तो उन्होंने काफ़ी बखूबी से उसको ऑर्गेनाइज किया एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। लास्टली ये क्वेश्चन आपने मीटू पर भी सवाल पूछा, क्या कहना चाहेंगे, ये मीटू कैंपेन उनसे ही पूछा था ये सवाल जी, और यही जीते हैं, तो क्वेश्चन आंसर राउंड में इन्होंने मीटू पर पूछा था। तो मेरा ये मानना है, हम जब इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं इनकी बात से सहमत भी था कि मीटू जो है उसका गलत फायदा उठाया गया है, बहुत ट्रेंड किया, मैं खुद जानता हूँ एक्टर्स को जिसने बेफालतू में इल्जाम लगाया, कुछ भी नहीं था, कोई मुद्दा ही नहीं था, तो उसका गलत इस्तेमाल किया गया था। और इन्होंने बहुत सही तरह से बोला कि ऐसे तो फिर हमारी इंडस्ट्री, हम ये काम करने आए हैं, कल को इनके पेरेंट्स इनको यहाँ काम नहीं करने देंगे कि ये तो गंदी इंडस्ट्री है जी, और मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, मैं इस इंडस्ट्री की पूजा करता हूँ और मेरा घर चलता है इस इंडस्ट्री से। थैंक यू।